Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padarth Vigyan. So students, welcome to another lecture of the chapter Electric Potential and Capacitance. So students, ajira lecture re ame gote nua topic start kariba. This is the part 2 of second chapter. The topic name is Capacitance. So ame already first chapter re discuss kariche about electric charge and field. Chapter number 2 ra first half re ame discuss kale about electric potential, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज सिस्टम, ऑल दिस थिंग्स. तो चैप्टर नंबर 2 रो सेकंड हाफ रे हमें डिस्कस करिवे अबाउट कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस. तो स्टूडेंट्स, हमें क्लास 10th रे डिस्कस करे छे अबाउट रेजिस्टेंस, एंड वी नो दैट रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट. एंड वी नो हाउ टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, दैट इज गिवन बाय ओम्स लॉ. आर के आर हो भी बै आई. तो मन रखता हो इलेक्ट्रिकल सर्किट रे आमे तीन टा कंपोनेंट को यूज करिबा बा तीन टा एलिमेंट को यूज करिबा. दोज आर रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स. तो रेजिस्टर ऊपर नॉलेज आमर अच्छी, आमे क्लास 10th ऑलरेडी पढ़ीचे. अगेन आमे क्लास 12th रे नेक्स्ट चैप्टर रे तापर डिस्कस करिबा. कैपेसिटर विषय आमे डिस्कस करिबा आजर लेक्चर रे डिस्कस करिबा. एंड अबाउट इंडक्टर आम डिस्कस करवा इन द चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. तो आज लेक्चर हूँ गोटे इंट्रोडक्शन टाइप लेक्चर. तो आज लेक्चर आम डिस्कस करवा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस, व्हाट इज द रोल ऑफ ए कैपेसिटर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस एंड द अदर फॉर्मूलाज. सो लेट्स बिगिन. सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर कैपेसिटेंस, but before understanding what is the meaning of capacitance, let us first understand what is the use of capacitor in a circuit. So, dekho capacitor main kaam kon, tara role kon. So remember that capacitor is used in different electrical appliances or different electronic appliances. Ame janiche ame capacitor bisare bahut suniche. Ame jo ghare fan use koruche se fan re capacitor achi. आम मोबाइल फोन रे कैपेसिटर अच्छी. एंड आम जो इलेक्ट्रिक पंप यूज करुचे से भी कैपेसिटर अच्छी. तो सबु प्रकार डिवाइस रे, सबु प्रकार इलेक्ट्रिकल आउ इलेक्ट्रोनिक्स अप्लायंस रे आम कैपेसिटर यूज कर था. तो नेक्स्ट जिनस कौन ना आम कहीं यूज करूँ, कैपेसिटर मेन रोल कौन. तो मन रख कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करे, ठीक अच्छे. सिंपल लैंग्वेज कह गले मन रखे कैपेसिटर काम कौन ना, कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी and whenever required it supplies the energy in a small duration of time. To capacitor kaam kon na, capacitor energy ko store karibo aa jette be darkar hobo gote small time re gote large amount of energy jodi darkar hue ta ko supply karibo ki capacitor. Jin ta ma ghare ame pani tanki re ame pani ko store kar rakhuche, thik semiti capacitor ko karibo si energy ko store karibo. आउ जेते बेले गोटे कम टाइम इंटरवल रे बा गोटे कम टाइम ड्यूरेशन रे लार्ज अमाउंट रो एनर्जी दरकार हुए, एट दैट टाइम कैपेसिटर विल हेल्प अस. फॉर एग्जांपल आम घरे फैन अच्छी, सपोज फैन ऑफ थिबो, द फैन इज एट रेस्ट. आम तरे फैन को ऑन करिबा, आम तरे स्विच को ऑन करिबा, तो कौन हबो द फैन विल स्टार्ट रोटेटिंग. सो इनिशियली द फैन वाज एट रेस्ट एंड व्हेन आई क्लोज द स्विच द फैन स्टार्ट रोटेटिंग. आम जानचे गोटे ऑब्जेक्टर स्टेट को चेंज करने नीड सम एनर्जी, तमाने फैन को रेस्ट रू मूव करने मोशन को आने वी नीड सम एक्स्ट्रा एनर्जी वी नीड सम लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी. तो से जो इनिशियल झटका दरकार इनिशियल टॉर्क दरकार ताकू सप्लाई करिवो कि से इनिशियल झटका बा इनिशियल टॉर्क पाई जो एनर्जी दरकार इन ए स्मॉल टाइम वी नीड ए लार्ज एनर्जी ताकू सप्लाई करिवो कि कैपेसिटर. देखो आमे तेरे स्विच को ऑन करूचे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होची, इलेक्ट्रिक करंट मींस इट आल्सो सप्लाइज एनर्जी, बट दैट एनर्जी इज कंटिन्यूअस. से कौन हम ना कंटिन्यूअसली सप्लाई करिवो एनर्जी, बट दैट एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू स्टार्ट द फैन. तुम देखी थे बेले कैपेसिटर डाउन हो जाए तो कौन हुए फैनटा भलसे स्पीड रे घूरे तार कारण कौन ना आम जदिओ आम स्विच को ऑन करुचे बट दैट करंट इज नॉट सफिशिएंट टू क्रिएट मोशन इन द फैन बट टू गिव दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रोटेटिंग द फैन. तो से केस रे
कैपासीटर रोल बहुत इम्पोर्टेन्ट हो जाए। देख कैपासीटर अलरेडी एनर्जी स्टोर होगी थाए गोटे लार्ज अमाउंट एनर्जी स्टोर होगी थाए एंड व्वेन आम वी क्लोज द की द कैपासीटर सप्लाइज द एनर्जी टू द फैन एंड द फैन स्टार्ट रोटेटिंग। तो ये मुझे गोटे एक्जाम्पल देवी आम समस्ते स्मार्टफोन यूज करुचे से स्मार्टफोन में फ्लाश लाइट अच्छी तो आम ये बड़े डार्क एनवायरनमेंट रे आम ये फोटो उठाती वी यूज फ्लाश लाइट तो से टाइम कौन हुए ना गोटे बहुत ब्राइट लाइटा प्रड्यूस हुए तो से ब्राइट लाइट प्रड्यूस करने गोटे लार्ज एनर्जी दरकार हुए एंड दैट लार्ज एनर्जी कैन नॉट बी सप्लाइड बाय बैटरी इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल। सो इन दैट केस द रोल ऑफ कैपेसिटर इज वेरी इंपोर्टेंट। आम फोन रे भी गोटे छोट कैपेसिटर थाए एंड दैट कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी एंड व्हेन रिक्वायर्ड आम फ्लाश लाइट को यूज करवा द कैपेसिटर सडनली सप्लाइज द लार्ज एनर्जी सो दैट वी कैन यूज द फ्लाश लाइट। नेक्स्ट एग्जांपल आम समस्ते आम घरे इलेक्ट्रिक मोटर पंप अच्छी तो आम ते स्विच को ऑन करती मोटर पंप्र तो मोटर पंपटा कौन फर्स्ट ऑफ थाए आम ते ऑन करवा इट स्टार्ट्स वर्किंग तो ताकू वर्किंग मोड को आने अगेन वी नीड सम इनिशियल एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज गिवेन बाय कैपेसिटर। सो बेसिकली यह मन रख जे कैपेसिटर हूँ गोटे डिवाइस व्हिच स्टोर्स एनर्जी एंड व्हेन एवर रिक्वायर्ड इट कैन सप्लाई द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए वेरी स्मॉल टाइम ड्यूरेशन। ठीक अच्छे ओके तो आमको जना पड़ा जे कैपेसिटर मीनिंग कौन आ तार रोल कौन तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन हाउ डज कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी कैपेसिटर एनर्जी केमती स्टोर करे। तो देखो आम जानते एनर्जी इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स वी हैव काइनेटिक एनर्जी वी हैव पोटेंशियल एनर्जी वी हैव इलेक्ट्रिक एनर्जी वी हैव मैग्नेटिक एनर्जी वी हैव विंड एनर्जी वी हैव सोलर एनर्जी वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज वी हैव केमिकल एनर्जी। तो कैपेसिटर जो एनर्जी थाए से कौ टाइप एनर्जी सो रिमेम्बर दैट द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक अच्छे तो आम डिस्कस करवा कैपेसिटर्स मीनिंग कौन एंड हाउ डज ए कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी। ओके सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल सपोज वी हैव ए कंडक्टर आम पाखे गोटे कंडक्टर अच्छी एंड दिस कंडक्टर इज इन्सुलेटेड दिस कंडक्टर इज इन्सुलेटेड। ठीक अच्छे तो एबे आम कौन करवा आम ए कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करवा। ठीक अच्छे तो सपोज आम एबे कौन कले वी सप्लाइड पॉजिटिव चार्ज टू दिस कंडक्टर। ठीक अच्छे तो देख जितेबले आम एक कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करवा तो कौन हम धीरे धीरे से कंडक्टर पोटेंशियल बढ़ी बढ़ी आम जितने चार्ज को बढ़े बढ़े जावा द पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर विल ऑल्सो इनक्रीज ता माने चार्ज एंड पोटेंशियल दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इच अदर। तो मैं कही परबा जे क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी ता माने मोर द चार्ज मोर विल बी द पोटेंशियल। सो फॉर ए गिवन कंडक्टर इफ यू सप्लाई मोर एंड मोर चार्ज देन द पोटेंशियल विल इनक्रीज सो आई कैन राइट दैट Q is directly proportional to V. That implies Q by V, this ratio, the ratio of charge to potential is a constant quantity. I made a math report. If Y is proportional to X, then Y by X is equal to a constant quantity. Similarly, if charge is proportional to potential, but if Q is proportional to V, then Q by V is a constant. The ratio is a constant quantity. And this constant quantity is known as capacitance. Q by V को हमें कह कौन एटा हो capacitance बा C. ठीक अच्छे तो C को हमें कौन कह C हो capacitance of the conductor. Capacitance of the conductor. ठीक अच्छे एंड मन रखी तो आम जदि गोटे कंडक्टर नौचे आम से कंडक्टर को इनफाइनाइट अमाउंट रो चार्ज के सप्लाई कर पारा ना कहीं देख जदि आम गोटे कंडक्टर को आम चार्ज सप्लाई करुचे देन कौन हम ना ता चारिपटे गोटे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हे एंड ता चारिपटे कौन हम गोटे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्रिएट हे तो आम जितने चार्ज को बढ़े बढ़े जावा तो कौन हम द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑल्सो इनक्रीज आम जाने जे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक अच्छे तो आम जितने अधिक रु अधिक चार्ज सप्लाई करवा कौन हम ना से कंडक्टर चारिपटे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी बढ़ी जाने द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी लार्ज। सो एमती गोटे टाइम आसो
जो टाइम कौन हम इलेक्ट्रिक फील्ड एत स्ट्रंग इट विल आयोनाइज द पार्टिकल्स अफ द सराउंडिंग सपोज सराउंडिंग एयर अच्छी तो जदि आम से कंडक्टर को कौन अधिक अधिक चार्ज सप्लाई करमी गोटे टाइम आसो जो टाइम कौन हम द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सच ए लार्ज वैल्यू सो दैट द पार्टिकल्स अफ द एयर बा द एयर मॉलिक्यूल्स दे विल बी आयोनाइज ठीक अच्छे तो ये कौन हम द चार्ज विल लीक टू द सराउंडिंग तमें देर एग्जिस्ट ए अपर लिमिट फॉर ए गिवन कंडक्टर सो दैट वी कैन चार्ज इट अप टू दैट लिमिट वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट ठीक अच्छे तो गोटे पर्टिकुलर कंडक्टर पर गोटे लिमिट अच्छी आम से लिमिट पर्यटन को चार्ज सप्लाई कर पार सपोज जमी कहली सपोज आम पाखे गोटे वाटर बोटल अच्छी एंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर बोटल इज 2 लीटर तो ताने आम से वाटर बोटल रे मैक्सिमम 2 लीटर वाटर आम भर्ती करें 2 लीटर अधिक वाटर भर्ती कर ट्राए करवा देन कौन हम द एक्सेस वाटर विल फ्लो डाउन सेम जिनस हुए इन केस ऑफ कंडक्टर एवरी कंडक्टर हैज द एबिलिटी टू स्टोर ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज जदि में से अमाउंट रु अधिक चार्ज सप्लाई करवा देन द एक्स्ट्रा चार्ज विल लीक टू द सराउंडिंग कहीं ना इलेक्ट्रिक फील्ड एत हाई हो तार सराउंडिंग मीडियम कौन हम इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन आस देख जो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई हो कौन हम जो एयर मॉलिक्यूल थे दे विल एक्सपीरियंस फोर्स द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द एयर मॉलिक्यूल दे विल एक्सपीरियंस फोर्स एंड एवं कौन हम दोज एयर मॉलिक्यूल्स दे विल ब्रेक डाउन दे विल बिकम आयन्स ठीक अच्छे तो ये कौन हम से जो आयन अच्छा दे विल ट्राए टू न्यूट्रलाइज द चार्ज ऑन द कंडक्टर आम यह कहीपर आम जो एक्स्ट्रा चार्ज सप्लाई करे लिमिट टू बाहर आम जो चार्ज सप्लाई करे दैट चार्ज विल लीक टू द सराउंडिंग ठीक अच्छे सो आम एबे कौन देखिले ना प्रत्येक कंडक्टर गोटे कैपासीटी अच्छी तार गोटे एबिलिटी अच्छी टू स्टोर ए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज ठीक अच्छे आम गोटे 5 सेंटीमीटर रेडियस गोटे स्फीयर नवा 10 सेंटीमीटर रेडियस गोटे स्फीयर नवा बोथ ऑफ देम कैन नॉट स्टोर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज लार्जर द साइज लार्जर इज द एबिलिटी टू स्टोर चार्ज तो कैपासीटेंस को आम आउ गोटे वे भी डिफाइन कर जे इट इज द एबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर टू स्टोर चार्ज एंड देखो कैपासीटर कौन करे एनर्जी स्टोर करे केमती स्टोर करे बाय स्टोरिंग चार्ज तो तुम्हें क्वेश्चन पचारि पार जे बैटरी ऑल्सो स्टोर्स चार्ज सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड कैपासीटर तो देखो जमी ऑलरेडी कहीदेगी जे कैपासीटर कैन स्टोर एनर्जी बैटरी कैन स्टोर एनर्जी बट द बेसिक डिफरेंस इज दैट बैटरी कैन नॉट सप्लाई लार्ज एनर्जी इन ए स्मॉल टाइम बैटरी कौन के मानने सडनली डिस्चार्ज हो पार ना कि बैटरी के सडनली चार्ज हो पार आम जो मोबाइल आम जो मोबाइल को चार्ज करुचे इट इज टेकिंग अराउंड 1 आवर टू गेट कम्प्लीटली चार्ज ठीक अच्छे किंतु इफ टेक ए कैपासीटर इन ए फ्यू सेकेंड इन ए मिली सेकेंड द कैपासीटर विल गेट चार्ज तो मन रखता कैपासीटर एंड बैटरी बोथ ऑफ देम स्टोर चार्ज स्टोर एनर्जी बट द बेसिक डिफरेंस इज दैट कैपासीटर कैन बी चार्ज्ड और इट कैन बी डिस्चार्ज विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड बट बैटरी टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम टू गेट चार्ज एंड इट ऑल्सो कैन नॉट बी डिस्चार्ज्ड क्विकली इट विल डिस्चार्ज स्लोली बा ग्रेजुअली आम यह कहीपर द बैटरी कैन नॉट सप्लाई ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड ए कैपासीटर ठीक अच्छे आ जमी मुझे कहली जो केस रे आमको दरकार गोटे लार्ज एनर्जी इन ए स्मॉल टाइम से केस रे कैपासीटर यूज आम करवा ओके ठीक अच्छे तो देख जमी मुझे कहली जे आम गोटे बॉडी को आम इनफाइनाइट अमाउंट चार्ज सप्लाई कर पार ना देर इज ए अपर लिमिट अप टू व्हिच वी कैन सप्लाई चार्ज टू द बॉडी तो देखो आम जो कहले क्यू इज प्रोपोर्शनल टू भी बा क्यू बाय भी इक्वल टू सी तो सी कभी कौन कहे सी हूँ कैपासीटेंस सी है क्यू बाय भी तो जदि तुमको गोटे क्वेश्चन पचारे जे हाउ डज कैपासीटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपन द चार्ज स्टोर्ड इन इट तो आंसर कौन हम सो फ्रॉम दिस फॉर्मूला
तुम कहीपर जे कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज मोर द चार्ज मोर इज द कैपेसिटेंस बट द आंसर इज रॉन्ग दिस आंसर इज कम्प्लीटली रॉन्ग कहीं देख आंसर कौन हम कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज स्टोर कैपेसिटेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज स्टोर कहीं देख सपोज इमेजिन कर आम पाखे गोटे बाल्टी अच्छी एंड दैट बकेट इट कैन स्टोर मैक्सिमम ऑफ 6 लीटर ऑफ वाटर ठीक अच्छे तो आम से बाल्टी रे मैक्सिमम 6 लीटर वाटर रखिपर ताने द कैपासीटी इज 6 लीटर सपोज आई विल पोर 1 लीटर वाटर इन साइड द बकेट तो जदि मुझे केवल गोटे लिटर पा पकेबी से बकेट्रे मैने कौन द कैपासीटी इज 1 लीटर नो द कैपासीटी इज 6 लीटर सो कैपासीटी केबे डिपेंड करिवनी ऑन द चार्ज स्टोर्ड इन इट बा जदि मु से बाल्टी रे 10 लीटर पानी भर्ते करे को ट्राई करबी डज इट मीन द कैपासीटी ऑफ द बकेट इज 10 लीटर नो द मैक्सिमम एबिलिटी और द मैक्सिमम कैपासीटी ऑफ दैट बकेट इज 6 लीटर सिमिलरली आम जो कहे कौन ना सी ला कहते क्यू बाई भी जदि मैं क्यू को बढ़ेबा ताले कौन हम साइमल्टेनियसली भी बी बढ़ यदि क्यू हम डबल भी हम डबल यदि क्यू हम हाफ भी हम हाफ तो जो रेसीो आसला क्यू बाई भी जो रेसीो आसला दिस रेसीो विल रिमेन कन्स्टांट सो जदि आम चार्ज को चेंज करवा एट द सेम टाइम कौन हम पोटेनसीयल भी चेंज हम बट द रेसीो क्यू टू भी दैट विल रिमेन द सेम सो मन रख कैपासीटेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज स्टोर्ड इन इट तो क्या पर डिपेंड कर कैपेसिटेंस डिपेंड कर क्या उपरे बॉडी रा साइज पर डिपेंड कर जदि आम गोटे लार्जर बॉडी नवा इट कैन स्टोर मोर चार्ज आम जो गोटे स्मॉल बॉडी नवा इट कैन स्टोर लेस चार्ज आउ क्या पर डिपेंड कर इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम से बॉडी रा सराउंडिंग मीडियम रे कौन अच्छी को मैटर अच्छी वाटर अच्छी ना एयर अच्छी ना किसी अलग लिक्विड अच्छी अलग सॉलिड अच्छी कौन अच्छी ताप डिपेंड कर सो फर्स्ट ला कौन ऑन द साइज सेकेंड कौन ना ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम सराउंडिंग मीडियम आउ थर्ड इतने कौन ना प्रेजेंस ऑफ अनदर बॉडी बा प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर जदि गोटे आम सिंगल कंडक्टर नवा तार कैपेसिटेंस जहाँ आसव इफ आई प्लेस अनदर कंडक्टर नियर इट देन द कैपेसिटेंस विल चेंज सर केमती चेंज हम सर आम नेक्स्ट क्लास में पढ़ा बट मन रख कैपेसिटेंस कहाँ पर डिपेंड कर सो लेट मी राइट हियर कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द कंडक्टर साइज ऑफ द कंडक्टर नेक्स्ट है कौन नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम नेचर ऑफ सराउंडिंग मीडियम एंड थर्ड पॉइंट है कौन ना प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स ठीक अच्छे तो मैं डिस्कस करिबा जे हाउ डज द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स ठीक अच्छे तो ये सब फैक्टर ऊपर डिपेंड कर द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर ठीक अच्छे तो भी देखो आमे जो मेन फॉर्मूला पढ़ले कौन पढ़ले ना कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन इट टू द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी सी कते हिजबो सी हिजबो क्यू बाय वी ठीक अच्छे सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस तो मन रखता द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फराड द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फराड सो रिमेंबर दिस यूनिट आम कहे फराड आ तार सिंबल कर सिंबल हूँ एफ ठीक अच्छे एफ इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस और इट इज सिंबल फॉर फराड एंड देर इज नो सीजीएस यूनिट एक्चुअली से बुक रे मेंशन नहीं आम मैक्सिमम टाइम आम फराड यूनिट यूज करू बट रिमेम्बर दैट दिस फराड इज ए वेरी बिग यूनिट आम जो फैन रे जो कैपेसिटी यूज करूचे देखिए
the capacitance of that capacitor is either picofarad or microfarad. So farad is a very big unit. So we will see what is the meaning of 1 farad. So we will see 1 farad is equal to 1 coulomb by 1 volt. C is C is Q by V. So Q is charge, V is potential. So we will see Q is 1 coulomb, V is 1 volt. Then Q by V ratio, मतलब 1 coulomb by 1 volt, this ratio will be 1 farad. तो हमें लिखी पर बैठी जो 1 farad is equal to 1 coulomb by 1 volt. So how can we define 1 farad? मैं हमें इम्ति define करी परिवार जो the capacitance of a conductor is said to be 1 farad if 1 coulomb charge supplied to it increases its potential by 1 volt. सपोज आम कौन करुचे गोटे बॉडी को आम 1 कूलम चार्ज सप्लाई करुचे एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 1 वोल्ट देन द कैपेसिटेंस ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी 1 फैराड. सो लेट मी राइट इट. द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर is said to be 1 farad if its potential increases by 1 volt when 1 coulomb of charge is supplied to it. तमने जदि आम गोटे कंडक्टर को 1 coulomb ता सप्लाई करिबा एंड तार पोटेंशियल 1 वोल्ट बढ़ी जिवो देन द कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड. ठीक अछि. एंड लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस. देखो एडी सी रो डायमेंशन केते हबो डायमेंशन ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल. तो हमें जानीचे व्हाट इज पोटेंशियल वर्क बाय चार्ज. ठीक अच्छे ताक लिखी पारि डब्ल्यू बाय क्यू. तो जो क्यू ऊपर पड़े एटा हो कौन क्यूरो स्क्वायर हो डिवाइडेड बाय वर्क. सो क्यू कौन क्यू हूँ चार्ज ताक लिखा ए टी क्यू स्क्वायर अच्छे ए स्क्वायर टी स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वर्क कौन वर्क एम वन एल टू टी माइनस टू. ठीक अच्छे. तो आम कौन पाइबा आंसर एम माइनस वन एल माइनस टू टी टू दि पावर फोर ए टू दि पावर टू. सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस. तो मन रख कैपेसिटेंस रो यूनिट हूँ फराड एंड द डायमेंशन इज एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए स्क्वायर. इज दैट क्लियर. ओके तो जमी मुझे कहली जे फराड इज ए वेरी बिग यूनिट बट इन नॉर्मल केसेस वी यूज माइक्रोफराड और पिकोफराड. सो 1 माइक्रोफराड इज हाउ मच इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 फराड एंड 1 पिकोफराड इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 12 फराड. ठीक अच्छे. सो प्रैक्टिकली आम माइक्रोफराड कि पिकोफराड यूज करूँ फराड इज ए वेरी बिग यूनिट है. ओके सो स्टूडेंट्स आम ए जानदे कैपेसिटर मीनिंग कौन तार रोल कौन सर्किट रे हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर व्हाट इज द यूनिट एंड व्हाट इज द डायमेंशन. ठीक अच्छे. तो एबे आम ए नॉलेज को यूज करके गोटे सिंपल फॉर्मूला डिराइव करवा. से फॉर्मूला कौन कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर. कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर गोटे बहुत सिंपल फॉर्मूला कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर. देख तुम माइंड रे सदा रख जे कैपेसिटेंस रो बेसिक फॉर्मूला कौन ना क्यू बाय वी. सी है कते सी हूँ क्यू बाय वी. आम जो बॉडी कैपेसिटेंस बाहर करुचे से बॉडी रे केते चार्ज स्टोर हो डिवाइडेड बाय द पोटेंशियल ऑफ द बॉडी. सपोज इमेजिन कर आम पाखे गोटे स्फीयर अच्छी ए स्फेरिकल कंडक्टर. ठीक अच्छे. एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कैपिटल आर. ठीक अच्छे. कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर एंड वी हैव सप्लाइड चार्ज टू इट.
आम कौन करेंगे चार्ज सप्लाय करे सपोज वी हाव सप्लाइड पॉजिटिव चार्ज टू दिस स्फेरिकल कंडक्टर एंड लेट अस एज्यूम दैट कैपिटल क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज गिवेन टू इट लेट मी राइट हियर क्यू है कौन क्यू हूँ चार्ज ऑन द कंडक्टर बा चार्ज ऑन द स्फीयर एंड कैपिटल आर इज द रेडियस कैपिटल आर इज द रेडियस ओके सो नाउ टेल मी आम एट ऑलरेडी डिराइव करे प्रीवियस मैंने प्रीवियस हाफ रे आम डिस्कस करे जे जदि आम गोटे स्फीयर को चार्ज सप्लाय करे व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दैट स्फीयर तो यही आम जो स्फीयर नहींचे से स्फीयर पोटेंशियल भी के आस वन बै फोर पाए एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाय रेडियस आर ठीक अच्छे सो नाउ वी हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस तो सी रो फॉर्मूला कौन क्यू बाय वी तो क्यू है कौन चार्ज गिवन टू इट तो मैं क्यू लिखा इन प्लेस ऑफ वी आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन वन बाय फोर पाए एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर ठीक अच्छे तो कहीं क्यू भी कटिजी एंड दिस फोर पाए एप्सिलॉन नॉट आर एटा ऊपर को पड़े तो आम कौन पाइबा आंसर आम पाइबा फोर पाए एप्सिलॉन नॉट आर इज द कैपेसिटेंस ओके सो फाइनली आम लिखिपर जे कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवेन बाय सी इक्वल टू फोर पाए एप्सिलॉन नॉट आर ठीक अच्छे एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर पाए एप्सिलॉन नॉट आम जानचे जे वन बाय फोर पाए एप्सिलॉन नॉट हो कते नाइन इंटू टेन टू दि पावर नाइन सो फोर पाए एप्सिलॉन नॉट के हम वन बाय नाइन इंटू टेन टू दि पावर नाइन ताको मैं लिखिपर आर डिवाइडेड बाय नाइन इंटू टेन टू दि पावर नाइन ठीक अच्छे तो आम आर को लिखा मीटर रे एंड आम सी पाइबा इन टर्म्स ऑफ फैराड ओके तो देखो फ्रॉम दिस फॉर्मूला तुम देखिपुर फोर गोटे कांस्टेंट पाए गोटे कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट इज ऑल्सो कांस्टेंट दिस रेडियस इज वेरिएबल आम रेडियस को चेंज कर पारिबा तो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर दैट डज नॉट डिपेंड अपॉन द चार्ज स्टोर्ड ऑन इट से कहाँ पर डिपेंड करुची दैट इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट दैट इज डिपेंडिंग ऑन द रेडियस बा ऑन द साइज इज दैट क्लियर ओके तो देख गोटे सिंपल आम गोटे एग्जांपल करवा जदि आम इफ यू वांट टू अचीव ए कैपेसिटेंस ऑफ वन फैराड दैट इज योर होमवर्क ट्राए कर जदि आम गोटे ट्राए करवा वी वांट टू अचीव ए कैपेसिटेंस ऑफ वन फैराड तो आमको केते रेडियस रो गोटे स्फीयर दरकार हे इफ सी इक्वल टू वन फैराड देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर बहुत सिंपल जिनस देख आम यूज करवा दिस फॉर्मूला सी के सी हूँ आर बाय नाइन इंटु टेन टू दि पावर नाइन तो आर के आर हो नाइन इंटु टेन टू दि पावर नाइन इंटु सी एंड सी आम के वन नहींचे तो यह होते नाइन इंटु टेन टू दि पावर नाइन इंटु वन सो आम के पाइले नाइन इंटु टेन टू दि पावर नाइन मीटर बाकी मुझे लिखिपरि नाइन इंटु टेन टू दि पावर सिक्स किलोमीटर तो इमाजिन कर जदि आमको दरकार अच्छी वन फैराड्र कैपेसिटेंस ठीक अच्छे देन वी हैव टू टेक ए स्फेरिकल कंडक्टर हुज रेडियस इज नाइन इंटू टेन टू दि पावर सिक्स किलोमीटर दिस इज ए वेरी वेरी ह्यूज कंडक्टर दिस साइज इज 1500 टाइम्स द साइज ऑफ अर्थ तो इमाजिन कर अर्थ इज ए वेरी बिग स्फीयर सो वन फैराड कैपेसिटेंस पाइबा पाई वी हैव टू टेक ए कैपेसिटर बा वी हैव टू टेक ए स्फेरिकल कंडक्टर हुज रेडियस इज 1500 टाइम्स लार्जर दैन द रेडियस ऑफ अर्थ सो कैन इमाजिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन फैराड इज ए वेरी वेरी बिग यूनिट इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू अचीव वन फैराड टेकिंग ए सिंगल कंडक्टर सो आम प्रैक्टिकल केस रे आम जो कैपेसिटी यूज करुचे दैट इज ऑफ माइक्रोफैराड और पिकोफैराड रेंज एंड आम से केस गोटे सिंगल कंडक्टर नहीं यूज करूने वी आर टेकिंग टू कंडक्टर्स केमती करुचे दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास तो मन रख आज लेक्चर में कौन पढ़ले कैपेसिटर कौन तार यूज कौन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपेसिटेंस व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस व्हाट इज द यूनिट व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड फाइनली आम डिस्कस कले व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर सो स्टूडेंट्स आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड
all these concepts. And still, if you have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. तो पुणे में देखा बा नेक्स्ट वीडियो रे इट्स अ न्यू टॉपिक. सो टिल देन हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय.